ये कपड़ को गर्म पानी में डाला जाता है। हाँ, इतनी धोने के बाद इसको गर्म पानी में डाला जाता है। वहाँ प्रेस होती है उसमें। सुन मार बात, मैं सुन, एक तो ये कई एडवांस है, ये क्योंकि खुद ही है कम तो खुद ही करनी, और ये है ना सही करना जो कटे मतलब बढ़िया है। अब तो ली थी ना वो बड़ा थोड़ा सो उनकी रेट थोड़ी सी वो कर दीजिए। हाँ, वो तो मैं कर लूँगा, फिर वो अपने आप मोटी हो जाएगी थोड़ी। हाँ, फोटो स्टेट कराएंगे ना। हाँ, अपने आप थोड़ी वॉशिंग करने के लिए इसमें ट्रकोइल के साथ इसको दो दिन रखा जाता है। अच्छा, दो दिन रखने के लिए ट्रकोइल दो काम करता है, एक तो सरफ का काम करता है मतलब कपड़े को वॉश करने का, और दूसरा काम करता है वो चिकनाहट का, कपड़े के अंदर जो चिकनाहट आती है तो कलर पकड़ने के लिए इजी हो जाता है। अगर अपन डायरेक्ट वो करते हैं तो कलर नहीं पकड़ता है, सूखा आता है। अच्छा, इसमें क्या है चिकनाहट आती है, आप थोड़ा वो करो, हाथ डाल के देखो, इसमें चिकनाहट आती है कपड़े में, इससे कलर पकड़ने के लिए डाई होता है ना तो कलर इजीली पकड़ लेता है। अच्छा, ठंडे पानी से? हाँ, ठंडा पानी में ही इसको दो दिन रखा जाता है ट्रकोइल मिला के। ये जो येलो कलर है एक कैसे आता है? ये हाइडा का पाउडर है, जो अभी अपन अंदर देखा था ना वो छान रहे थे। अच्छा, हाइडा का पाउडर। हाँ, ये हाइडा का पाउडर है, छोटी हाइडा का। ये हाइडे पाउडर में होने के बाद ये पीला पकड़ लेता है, फिर इसको अपन धूप में मट्टी में सुखाते हैं, जो धूप पड़ती है ना उस पर। अच्छा, बहुत ज़्यादा चमक में आता है, जहाँ नीचे की तरफ होता है वो कम चमक देता है, उसके बाद फिर ये प्रिंट होता है। ये क्या है, प्रिंट पकड़ता ही तब है जब अपन इसको इस पाउडर में वो करते हैं, नहीं तो वो प्रिंट है ना जो, वो प्रिंट आता नहीं है। ये जो मिट्टी में सूखने दे रहे हैं तो ये जो बालू मिट्टी लगेगा इसमें कोई नहीं है, जड़ जाएगा, जड़ जाएगा मिट्टी, कोई दाग नहीं लगेगा? नहीं नहीं, कोई दाग नहीं आएगा। अच्छा, ये इसके बाद भी कम से कम प्रिंट होने के बाद भी 4 या 5 बार वॉश होगा। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हो सूखने के बाद कपड़ा ये आ चुका है, ये कपड़ा सूख गया है, प्रिंट के लिए तैयार है। अब अपन इस पर सिर्फ प्रिंट करेंगे, जो कलर है ब्लैक कलर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। हाँ, ये ब्लॉक है। अच्छा, वुडन ब्लॉक है, और ये जो कलर है ये कलर ब्लैक कलर है। अच्छा, ब्लैक कलर, तो ऐसा ही बहुत सारा कलर आता है, बहुत सारे अलग अलग कलर है, वो ब्लू रखा है देखो। अच्छा, और हर कलर अलग अलग बनता है। ये उठाओ लेगा धीरे धीरे। अच्छा, अब ये दिख रहा है हल्का। हाँ, ये धीरे धीरे बहुत डार्क हो जाएगा और पकने के बाद और ज्यादा हो जाएगा। वो मत कर, भर जाएगा। नहीं नहीं भरेगा, इतना वो नहीं है, खुला ब्लॉक का। अच्छा, ये भी और एक डिजाइन है, ये अलग डिजाइन है। अच्छा, इसको बोलते हैं गद। गद, ये है रैक, रैक मतलब बारीक डिजाइन होती है जो। अच्छा, ये सब लकड़ी से, लकड़ी से हैंड से बनाया जाता है। अच्छा, हाथ ये से? भी हैंड से बना हुआ डिजाइन है। अच्छा, ये प्रोसेस भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी दिख रहा है हल्का। हाँ, ये डार्क हो जाएगा धीरे धीरे, डार्क हो जाएगा। ये हो गया लकड़ी से बना हुआ और डिजाइन अच्छा है काफी। इसको लगाएंगे ऐसे,
अच्छा धीरे हल्का, ये क्या है बारीक है तो कलर आ जाता है अंदर। अच्छा, फिर अब इसमें ये ऐसे नहीं, ऐसे लगाओ सीधा मतलब ऐसे। अच्छा आ गया, लगाओ आप, लगाओ लगाओ, एक और लगाओ, ब्लॉक लगाओ। हाँ आएगा वो धीरे धीरे, बस छोटा है ये बॉर्डर के लिए यूज में आता है, जैसे सूट वगैरह होती है जैसे आप पीछे देख रहे हो वो बॉर्डर है, मतलब जो साइड में आता है। हाँ ये सूखने के बाद वैसा हो जाता है, एक बार आप वो वीडियो में ऊपर ये फ्लो क्या ये साइड में ऐसे लगाया जाता है। अच्छा ऐसे आता है बॉर्डर। जैसे कि पहले देखे थे हल्का कलर था, अभी 2-3 मिनट के अंदर डीप हो गया, डार्क हो गया, इतना डीप हो जाएगा। देखो पीछे आप, ये इतना हो जाएगा, ये पीछे यही है। अच्छा ये ऑलरेडी प्रिंट क्या हुआ है, ये ऐसा होगा डीप। हाँ ये वो बॉर्डर है जो अभी आपने लगाई है। अच्छा ऐसे ही खूब सारे हैं, और यहाँ पर और कलर भी है बहुत सारे। ये है ब्लू कलर, डिजाइन अलग है इसका। ये देखो जो अपन मैंने नीचे दिखाया था ना पीला कर रहे थे वो हल्दे पाउडर में, उससे पहले होता है उसके ऊपर कलर छपता है, उसके बाद फिर सूखने के बाद वो गांड रंग आ जाता है। अच्छा ये ब्लॉक प्रिंट्स है पूरा, ये भी नेचुरल कलर है जो ब्लैक कलर है ना, आपको नीचे दिखाया था बनाने की प्रोसेस बताई थी वहाँ पे। ये ब्लू है, ये जो ब्लू कलर है नेचुरल है, ये नेचुरल कलर है पूरा, जो प्रोसेस है पूरा। किससे आता है कौन सा एक कलर, किससे आता है फूल से, कौन सी फूल? ये अलग अलग मतलब जो फूल होते हैं ना उनसे बनता है, और ये है जो चीये के आटो से और उससे बनता है। अच्छा ब्लैक, जो ब्लैक लोहे को गला के रखते हैं अपन पानी से, उस पानी से लोहे का जंग हाँ पानी में, लोहे को पानी में डिप करके रखना पड़ता है, उससे जंग निकलता है महीने 1.5 महीने तक, और जो काला गुड़ होता है उससे मिला के कलर बनता है ब्लैक। सूट मटेरियल है, अच्छा ये सूट मटेरियल टॉप बनते हैं इससे, कि बाद में सेम प्रोसेस में जाएगा उसी में नेचुरल में पूरा। अच्छा तो गांव में सभी घरों में होता है, सभी घरों में यही होता है। यहाँ आसपास जो हमारी कास्ट है ना वो छिपा कास्ट है, छिपा जो समाज है वो सारे लोग यही करते हैं। इसके अंदर कपड़े को पकाते हैं प्रिंट होने के बाद। तो ये चीज है क्या? हाँ ये चीज है क्या? इसको बोलते हैं तांबड़ी है, तांबड़ी बोलते हैं, तांबे का है पूरा बर्तन। अच्छा इसी में ही इसको पकाया जाता है कलर को, ये जो नेचुरल कलर होते हैं ना इसी में पकते हैं। धूप में सूखेगा ये, पहले डायरेक्ट धूप में सूखता था, आज के लिए मशीन तकनीकी आ गई तो वही है सूखने के लिए मशीन, ड्रायर के लिए। अच्छा पानी
सूखेगा। ये सूखने के लिए रेडी होने के बाद, कलर पकने के बाद ये यहाँ आ जाता है सूखने के लिए। अच्छा, इसको धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद जैसे ही ये पूरा ड्रायर हो जाएगा, ड्रायर होने के बाद ये फ्रेस हो जाएगा। पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद अपन ने वो कलर पकाने गर्म पानी में पकाया था। पकाने के बाद फिर ड्रायर हुआ, ड्रायर होने के बाद ये ऊपर धूप में सूखेगा। अच्छा, ये कलर धूप में भी हल्का नहीं पड़ता। सूखने के बाद क्लॉथ में यहाँ लाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर प्रेस और फिनिशिंग होती है। अच्छा, ये पूरा जो मशीन है पूरे आता है गर्म में, प्रेसिंग मशीन गर्म है। मतलब मशीन से आयरन किया जाता है, आयरन किया जाता है इधर। गर्म निकल रहा है, उसके बाद आयरन होने के बाद ये साइज है 1 मीटर का। हाँ, ये 1 मीटर। अच्छा, 1 मीटर का फोल्ड किया जाता है। फोल्ड किया जाता है, उसके बाद फोल्ड करके बाद ऐसे रख के इसको फोल्ड करके ये फोल्ड रख के अब इसको पैकिंग हो जाता है। हाँ, पॉलीथीन में पैक करके। अच्छा, ऐसे पैक हो गया, अब पार्सल करके। हाँ, ये पॉलीथीन में पैक हो जाता है। बड़े पार्सल होते हैं तो ऐसे लग के पॉलीथीन में पैक हो गया, पार्सल के लिए सेल के लिए रेडी हो जाता है। मतलब पूरा सेल के लिए। अब ये सामान चला जाता है रिटेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, या डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के पास और उसके कस्टमर के पास।